देखो, जैसे E7 तुम पूछ रहे हो कि साहब पीटी ग्राफ दिया हुआ है सर, है ना। अब पीटी ग्राफ में ये AB प्रोसेस है और ये एक प्रोसेस है, बी एक प्रोसेस है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये दोनों प्रोसेसेस कैसी हैं? आइसोकोरिक है, आइसोबारिक है, आइसोथर्मल है, क्या है ये प्रोसेस? आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला पी क्या? इंटू पी डेल्टा वी। इंटू डेल्टा वी, या टेम्परेचर के टर्म्स में लिखें तो एन आर डेल्टा टी, ऐसा लिख सकते हैं बेटे। यस सर। अब आप देखो, ए में इनिशियल टेम्परेचर इतना था, फाइनल टेम्परेचर इतना हो गया, तो चेंज इन टेम्परेचर इतना हुआ है। हाँ सर। और बी की अगर बात करें तो इनिशियल टेम्परेचर इतना था, फाइनल टेम्परेचर ये हो गया, तो क्या इसमें चेंज इन टेम्परेचर इतना हो गया? यस। तो किसमें चेंज इन टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है? बी वाला। बी वाली में है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू इन टू इज ग्रेटर देन डेल्टा डब्ल्यू इन वन? यस सर। हो गए बच्चों, और कुछ बच रहा है? अच्छा देखो, अभी हम आगे पढ़ाते हैं तुमको। पिछली क्लास में मैंने मीन फ्री पाथ के बारे में बताया था और हमने साइक्लिक प्रोसेसेस के बारे में भी पढ़ा था, है ना। अब देखो बच्चों, इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या? एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस। क्या कॉन्सेप्ट होता है बच्चों? एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेसेस। एफिशिएंसी ऑफ साइक्लिक प्रोसेस का मतलब देखो क्या होता है। साइक्लिक प्रोसेस, जैसा कि मैंने बताया था कि मान लो इस तरह की एक साइक्लिक प्रोसेस में कंसिडर करता, ए बी सी डी, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ए, है ना। देखो बच्चों, ए से बी वाली प्रोसेस में क्या गैस का वर्क जीरो हुआ? यस 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 सर। ए से बी वाली प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस कितना हुआ? जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का क्या हुआ बेटे?
क्या पॉजिटिव आया नेगेटिव आया? पॉजिटिव। ए से बी गए तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ गया, इसका मतलब टेम्परेचर भी बढ़ गया होगा, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज पॉजिटिव। आया कि नहीं आया? और इसका मतलब हीट सप्लाइड बाय द गैस भी कितना हुआ होगा? पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव हुआ होगा, है ना? अब ये कितना हुआ होगा, देखो कैसे लिखते हैं अपन, अपन इनकी वैल्यू ही लिखते चलते हैं, ऐसा करते हैं, है ना? डेल्टा यू का क्या फॉर्मूला होता है बेटे? मान लो ये मोनो एटॉमिक गैस है ना, डेल्टा यू को क्या लिखते हैं? F by 2 nr डेल्टा टी। क्या F by 2 nr डेल्टा टी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, P final V final minus P initial V initial, nRT final को लिख दिया P final V final और nRT initial को क्या लिख दिया बेटे? P initial V initial। यहाँ पे मोनोटॉमिक गैस है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 by 2। हमें मान लो ये दिया हुआ है, ये प्रेशर है P naught, ये वाला प्रेशर है 2P naught, ये वॉल्यूम है V naught, ये वाला वॉल्यूम है 2V naught। तो इनिशियल प्रेशर तो था P naught V naught, फाइनल फाइनल प्रेशर और वॉल्यूम क्या हो गया? 2P naught V naught। तो 2P naught V naught में से सबट्रैक्ट कर दें P naught V naught, तो क्या आ जाएगा? ये 3/2 P naught V naught के बराबर आ जाए। तो क्या चेंज इन इंटरनल एनर्जी को 3/2 P naught V naught लिख सकते हैं? इसका मतलब वर्क डन बाय गैस भी 3/2 P naught V naught के बराबर आ जाएगा। क्यों बेटे? सॉरी, वर्क डन बाय गैस नहीं, लास्ट कॉलम में मैं क्या लिखना चाहता हूं? हीट सप्लाई टू द गैस। बोलिए बेटे। फिर बी से सी में आते हैं। बी से सी में वर्क डन बाय गैस कितना होगा बेटे? बी से सी वाली प्रोसेस कैसी है? आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन को पी डेल्टा वी लिख देते हैं, तो प्रेशर है 2P naught और डेल्टा वी क्या है? 2V naught माइनस V naught, तो कितना हो गया? ये 2P naught V naught ये हो गया। चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इसी फॉर्मूले से चले अपन, इस वाले फॉर्मूले से। yes. तो आ जाएगा 3/2 P final V final, तो final pressure 2P naught और final volume 2V naught, तो 2P naught into 2V naught हो जाएगा, minus initial pressure into initial volume। तो initial pressure कितना है यहाँ पे? 2P naught, और इनिशियल वॉल्यूम क्या है? V naught। तो 4P naught V naught माइनस 2P naught V naught, तो 2P naught V naught आ जाएगा। तो क्या ये वैल्यू पूरी 3P naught V naught आ जाएगी बेटा? और 3P naught V naught में 2P naught V naught ऐड कर दोगे तो डेल्टा क्यू आ जाएगा, मतलब यहाँ पे हीट कितनी सप्लाई हो गई बेटे? क्या 5P naught V naught के बराबर हीट सप्लाई होगी? क्या ये बात समझ में आती है जी? फिर उसके बाद सी से डी वाली प्रोसेस की बात करते हैं।
सी से डी में वर्क डन बाय गैस जीरो हुआ, हुआ या नहीं? Yes, sir. Work done by gas zero. Change in internal energy के लिए फिर से यही वाला formula लगा दें तो वो क्या हो जाएगा, 3/2 P final V final अगर मैं लिखता हूँ तो इस ये final point है CD के लिए, है ना? तो 3/2 P final की value क्या लिखेंगे बताओ बच्चों? P नॉट। और फाइनल वॉल्यूम क्या लिखेंगे? 2V नॉट। और इनिशियल प्रेशर क्या लिखेंगे? P नॉट। और इनिशियल वॉल्यूम 2V नॉट। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, 4P नॉट V नॉट में से 2P नॉट V नॉट गया, नहीं 2P नॉट V नॉट में से 4P नॉट V नॉट गया, तो -2P नॉट V नॉट बचेगा। उससे 2 कैंसिल होकर के क्या ये -3P नॉट V नॉट आ जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दें तो हीट सप्लाई आ जाएगी, तो हीट सप्लाइड -3P नॉट V नॉट आ रही है, है ना? बोलो बच्चे। फिर अल्टीमेटली आपके पास कौन सी प्रोसेस आती है, डी से ए वाली। अब डी से ए वाली प्रोसेस में कितना वर्क डन बाय गैस हुआ, प्रेशर इनटू डेल्टा वी। डेल्टा वी का मतलब वी नॉट माइनस 2V नॉट ऐसा लिख सकते हैं, तो क्या ये -P नॉट V नॉट आ जाएगा? यस सर। चेंज इन इंटरनल एनर्जी 3/2 पी फाइनल वी फाइनल -P initial V initial, तो कितना आ जाएगा ये, क्या ये -3/2 P नॉट V नॉट इतना आ जाएगा? यस सर। और हीट सप्लाइड कैसे लिखेंगे, -P नॉट V नॉट -3/2 P नॉट V नॉट, क्योंकि तो क्या ये -5/2 P नॉट V नॉट ऐसा आ जाएगा। बोलिए बच्चों। Yes, sir. अब देखो जहां जहां पर डेल्टा क्यू पॉजिटिव हो रहा है मतलब आपने हीट सप्लाई करी है, और जहां जहां डेल्टा क्यू नेगेटिव हो रहा है मतलब हीट रिलीज करी। क्यों बेटे, यही तो हो रहा है। बोलिए बच्चों। डेल्टा क्यू पॉजिटिव का मतलब क्या, गैस को हीट मिली है। डेल्टा क्यू नेगेटिव का मतलब गैस ने हीट रिलीज किया है। अब देखो आपने 1. मतलब 3/2 P नॉट V नॉट मतलब 1.5 P नॉट V नॉट इधर हीट सप्लाई कर दिया, और 5 P नॉट V नॉट इधर हीट सप्लाई कर दिया, तो टोटल कितना हीट सप्लाई कर दिया आपने। हीट सप्लाइड की अगर मैं बात करूं तो कितना हीट सप्लाई किया, 6.5 P नॉट V नॉट। फिर सी से डी में गैस ने हीट रिलीज किया, कितना रिलीज किया, 3 P नॉट V नॉट, और फिर इधर रिलीज किया -2.5 P नॉट। तो हीट रिलीज कितना कर दिया गैस ने बेटे, क्या 5.5 P नॉट V नॉट हीट रिलीज कर दिया? यस सर। यस सर, है ना? अच्छा तो डेल्टा क्यू पूरी साइक्लिक प्रोसेस का डेल्टा क्यू कितना आ गया, 6.5 - 5.5, तो P नॉट V नॉट 1 P नॉट V नॉट। अच्छा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस कितना आ गया, देखो
work done in cyclic process? P0 V0. और change in internal energy in cyclic process कितना आ गया? पूरी change in internal energy का addition. सर heat released के आगे negative आएगा ना? Zero ना सर. Heat release तो positive ही है ना बेटा. Heat supplied negative. क्या ये चीज समझ में आ रही है बेटा? अब देखो हम इस सिस्टम से क्या करवाना चाहते हैं, हम इस सिस्टम को कुछ हीट दे करके उससे वर्क चाहते हैं, है ना? मतलब जो एनर्जी हीट की फॉर्म में है उसको किसमें, मैकेनिकल फॉर्म में, वर्क की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहते हैं. ये जो साइक्लिक प्रोसेस होती है ये बेसिकली एक हीट इंजन का काम करती है. किसका काम करती है? हीट इंजन का. हीट इंजन का क्या करती है? कन्वर्ट्स हीट इनटू इनटू वर्क, है ना? क्या हुआ, आपने इस मतलब इसका डायग्राम अगर मैं इस तरह से बनाऊं, देखो आप हीट दे रहे हो, इसको आप कुछ हीट क्या कर रहे हो, सप्लाई कर रहे हो, ठीक है? अब सप्लाई करते समय इसको हाई टेम्परेचर के किसी ऑब्जेक्ट से सप्लाई करनी पड़ेगी ना. yes. हाई टेम्परेचर का बॉडी, और फिर क्या होगा, ये कुछ हीट तो रिलीज कर देता है. अब ये हीट किसको देगा? जो लो टेम्परेचर पे होगा उसी को हीट देगा, तो हीट रिलीज आ जाएगा. और कुछ क्या कर देता है, ये वर्क कर देता है. समझ रहे हैं बेटे? तो आपने इसको 6.5 पी नॉट वी नॉट का हीट दिया था इस केस में, उसमें से क्या किया, ये वर्क कितना कर पाया, पी नॉट वी नॉट वर्क कर पाया, और बाकी 5.5 पी नॉट वी नॉट फिर इसने हीट की फॉर्म में रिलीज कर दिया. कर दिया कि नहीं कर दिया? यस सर. अब देखो जैसे ये इसमें एनर्जी तो कंजर्व है, ऐसा नहीं है कि कहीं एनर्जी का लॉस वगैरह हो रहा है ना? आपने इस 6.5 पी नॉट वी नॉट हीट दिया, उसमें से 5.5 पी नॉट वी नॉट इसने आपको वापस दे दिया और पी नॉट वी नॉट को वर्क में कन्वर्ट कर दिया, है ना? लेकिन ध्यान दो बेटे कि हम इसको क्यों यूज कर रहे हैं, हमें हीट वापस थोड़ी चाहिए. हमारे लिए तो कौन सा इंजन अच्छा होगा जो कि पूरी की पूरी 6.5 पी नॉट वी नॉट को वर्क में कन्वर्ट कर दे, वो अच्छा होगा ना हमारे लिए? यस सर. तो इस वजह से हम इसकी एफिशिएंसी की बात जब करते हैं तो एफिशिएंसी को क्या लिखते हैं, एफिशिएंसी इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड. तो वर्क डन कितना हुआ जी, पी नॉट वी नॉट, और हीट सप्लाई क्या हो गई, 6.5 पी नॉट वी नॉट. तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी जी, 6.5 को 13 बाई 2 लग सकते हैं, तो 2 बाई 13 एफिशिएंसी आ जाएगी. और अगर कोई कहे कि एफिशिएंसी को ईटा सिंबल से डिनोट करता है, एफिशिएंसी इन परसेंटेज अगर कोई कहे तो वो आ जाएगा 2 by 13 into 100 by 13. तो 13 बनजा 13 7 0 13 5 जा 65 5 0 लगभग 15.4% की एफिशिएंसी आ जाएगी, 13.38 टाइप की आ जाएगी, 15.38 टाइप की आ जाएगी. क्या ये बात समझ में आती है बेटा?
सर ये सिंबल क्या है? ईटा ईटा उसको बोलते हैं ईटा, जो अपन कोफिशिएंट मतलब उसमें पढ़ा था ना हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में, उसमें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में। यस सर वही वाला। ये एफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया बेटे? देखो हमें हमेशा क्या होगा, टोटल हीट नेट हीट एक्सचेंज तो हमेशा वर्क के बराबर आएगी ही आएगी, है ना। लेकिन जब मैं W बाय क्यू लिखता हूँ एफिशिएंसी को, वर्क डन अपॉन हीट सप्लाइड लिखता हूँ, तो हीट सप्लाइड का मतलब ये नहीं है कि आपको पूरी हीट एड कर देनी है, ये सब एड नहीं करना आपको, समझ रहे हो। सिर्फ कौन सी वाली हीट लेनी है जो सप्लाई हुई, जो पॉजिटिव आ रहा है वही वाला लेना है। इसको याद रखने के लिए आप ऐसे भी याद रख सकते हो, एफिशिएंसी इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन पॉजिटिव डेल्टा क्यू। समझ रहे हैं जी? यस सर। हो गया सर।
हो गया बेटे। और देखो जैसे और एक प्रोसेस का मैं एफिशिएंसी निकाल के बताता हूँ आपको। मान लो क्या है, आपको कोई इस तरह का प्रोसेस दे दिया जाए, ए से बी, बी से सी, ए पे प्रेशर है पी नॉट और बी पे प्रेशर है कितना, टू पी नॉट। ठीक है, और ये ग्राफ ओरिजिन, अगर इसको एक्सटेंड करते अपन तो ओरिजिन से पास होता, और हमें दिया हुआ है क्या है, टू मोल्स हैं किसके, मोनो एटॉमिक गैस के। तो एफिशिएंसी इसकी क्या होगी ये हमें पता। तो देखो बेटे लिख दें अपन, ए से बी वाला जो प्रोसेस ए से बी वाले प्रोसेस की बात करो, उसमें वर्क कितना हो रहा है, क्या वर्क निकालने के लिए मुझे ये वाला पूरा एरिया निकालना पड़ेगा क्या? यस सर। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के बराबर हो जाएगा। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है बेटे, हाफ इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, P not plus 2P not, sum of parallel side क्या हो गया, एक parallel side हो गई P not, दूसरी parallel side क्या हो गई 2P not, into distance between them। अच्छा मान लो हमें ये वाली volume दे दिया जाए V not, तो क्या ये वाली volume अपने आप पता लगा सकते हैं? तो इस ए बी लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन यही हो जाएगी ना कि प्रेशर पी इक्वल टू सम कांस्टेंट इनटू वी। इसका मतलब क्या, प्रेशर डबल हो गया तो वॉल्यूम भी डबल हो गया। यस सर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन से पास, ओरिजिन से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, तो सी का वॉल्यूम नहीं दिया जाए ना तब भी आप पता लगा सकते हो कि सी का वॉल्यूम क्या होगा, 2V0 ही होगा। जितने फैक्टर से प्रेशर बढ़ गया उतने फैक्टर से वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो हाफ इनटू 3P0 इधर आ गया और 2V0 माइनस V0 कर देंगे तो V0 आ जाएगा, तो ये वैल्यू 3P0 V0 by 2 के बराबर आ जाएगी बच्चों। यस सर। अब रही बात चेंज इन इंटरनल एनर्जी की A से B वाली प्रोसेस में, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखेंगे 3 by 2 P final V final, तो 2 P not 2 V not minus P initial V initial, तो 3 by 2 into 3 P not V not, तो ये 9 P not V not by 2 आ जाएगा बच्चे। सर वहाँ पे 2 P not V not होगा ना final के लिए, 3 by 2 2 P not V not 2 V not, नहीं 2P0 into 2V0, sorry 2P0 into V0 लिख दिया है। Yes sir। हाँ वो क्या होगा, V हो जाए। अगर डेल्टा, अब वर्क डन पता चल गया, डेल्टा U पता चल गया, तो हीट सप्लाई पता चल जाएगा 3 by 2 plus 9 by 2, तो 12 by 2 यानी 6P0 V0 आ जाएगा। क्या ये चीज समझ आती? फिर B से C की बात करते हैं। B से C में क्या होगा? वर्क डन तो जीरो हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है।
चेंज इन इंटरनल एनर्जी की अगर बात करें तो 3/2 पी फाइनल वी फाइनल, तो पी फाइनल है पी नॉट, वी फाइनल तो 2V0 ही है, और P इनिशियल कितना है 2P0 और V इनिशियल है 2V0, तो क्या हो जाएगा जी 2P0 V0 में से 4P0 V0 सब्ट्रैक्ट करें। अरे बेटे ये किसके, कोई तो म्यूजिक चला रहा है, क्या गाने की आवाज आ रही है नहीं। लकी जैन तो ये ऐसा आ जाएगा, क्या ये -3P0V0 आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो क्या डेल्टा क्यू भी -3P0V0 आ जाएगा बेटा, है ना। फिर सी से ए की बात आप कर लो, तो सी से ए जो है वो कैसी प्रोसेस है बेटे, आइसोबारिक। वर्क डन का क्या फॉर्मूला लिखेंगे, पी डेल्टा वी, पी है वहां पे पी नॉट, डेल्टा वी आ जाएगा वी नॉट -2V0, तो क्या ये -P0V0 के बराबर आ जाएगा। और देखो आइसोबारिक में तो हीट सप्लाई डायरेक्टली लिख देते हैं ना अपन, F/2+1nR∆T। yes. और nR डेल्टा टी को मैं इस केस में क्या लिख दूंगा, पी डेल्टा वी भी लिख सकता आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, तो आ जाएगा 5/2, प्रेशर तो पी नॉट है, चेंज इन वॉल्यूम हो जाएगा वी नॉट -2V0, तो क्या ये -5P0V0/2 आ गया। इसका मतलब पूरी साइक्लिक प्रोसेस में, इन एंटायर साइक्लिक प्रोसेस कितना वर्क हुआ जी, वर्क कितना हुआ 2P0V0, इधर वर्क हुआ था 3/2P0V0, है ना, और इधर वर्क हुआ है कितना, कितने नेगेटिव है ना, -P0V0 नहीं, हाफ P0V0 का वर्क, और हीट सप्लाई कितना हुआ बच्चे, सिर्फ ए की जगह पे हीट सप्लाई हो रहा है ए से बी में, बाकी बी से सी में हीट रिलीज हो रहा है और सी से ए में भी हीट रिलीज हो रहा है कि नहीं। तो हीट सप्लाई को कितना लिखेंगे बताओ, 6P0V0 लिखेंगे, तो एफिशिएंसी क्या आ जाएगी बेटे 1/2P0V0/6P0V0, तो क्या 1/12 की एफिशिएंसी आ जाएगी सिर्फ इसकी, या एफिशिएंसी इन परसेंटेज अगर निकालना है तो वो कितना आ जाएगा 100/12%, 100/12% का मतलब क्या होता है 25/3%, 8.33% की एफिशिएंसी। बोलिए जी ये बात समझ में आती है, यस सर। तो ये है, इस तरह से एफिशिएंसी निकालता है इस। ठीक है बच्चों, आज के लिए मैं यहीं पे रोक रहा हूँ, बाकी अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे इस, है ना। होमवर्क अभी जिसने नहीं किया है बच्चों, आप पार्ट वन पार्ट टू का आप सेक्शन ए बी सी डी ई एफ ये कंप्लीट कर लेना बच्चों, कुछ लोगों ने पार्ट टू किया था आज, कुछ लोगों ने पार्ट वन किया था, अभी यहां तक पूरा कंप्लीट करना है बेटा, ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। Thank you, sir.